गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है 25 दिसंबर, तो आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ, मेरी क्रिसमस। और आज हम लोग जा रहे हैं, संडे है तो पिकनिक, क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले से प्लान बनाए हुए थे, तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। नाश्ता खाना हम लोग बना के ही ले जा रहे हैं, क्योंकि छोटा ही सा हम लोग का ग्रुप है, कोई कुक वगैरह नहीं है, तो हम चाय पी ले रहे हैं। और आज धूप ना हमको थोड़ा सा बादल बादल लग रहा था, तो हम गैस धीरे किया और चाय पीने लगे। ये मेरा नाश्ता का बन रहा है, अगर हम पूरा बनाते तो बनाते ही रह जाते, इसलिए हम थोड़ा सा बना और थोड़ा सा इन लोग के लिए छोड़े। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत ठंड है क्योंकि हवा बहुत चल रही है, तो ये अभी भी सोया हुआ है, इसको बोल रहे उठ जाओ, मच्छरदानी खोल दे रहे हैं, तो उठ ये नहीं रहा है। बाबू उठो। और हम नहा लिए हैं और बस रेडी होके मिलेंगे आप लोगों से। और मेरे दो बार कॉल भी आ चुका है जो मिस हो चुका है, तो हम बात कर लेते हैं क्या बात है, उसके बाद मिलते हैं। और हम नहा लिए हैं तो लाइट भी आ गया, तो हम मशीन ऑन कर देते हैं। और मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है, मतलब फुल हम कर लेंगे बैटरी, तो अभी हम जाना है, थोड़ा मशीन ऑन कर देंगे। मशीन ऑन करने से होता है ना गर्म पानी आएगा। और हम थोड़ा सा नाश्ता कर ले रहे क्योंकि कहीं जाना चाहिए तो थोड़ा खा कर ही जाना चाहिए, भूखे नहीं जाना चाहिए। और हम हो गए हैं रेडी, और बोली लोग की स्वेटर भी पहन लीजिए क्योंकि हवा लगेगा गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं, और शॉल भी ले रहे हैं कि ऑटो है हम लोग का, तो हवा भी लगेगा, ठंडा लगेगा, तो ओढ़ ले रहे। चलिए आप लोग को दिखाएंगे, हम लोग शंख नदी जा रहे हैं। अब पता नहीं उसका सिर्फ शंख जैसा है कि क्या हो, तो हम भी नहीं जानते। और ये हमने ऑनलाइन परचेज किए थे, वही वाला सूट पहने हुए हैं, नीचे वाइट है और ऊपर नेवी ब्लू में वाइट प्रिंट है, ये देख सकते हैं। वहाँ चलिएगा तो शॉल स्वेटर खोल देंगे तो दिख ही जाएगा। बहुत हम एक्साइटेड है। चलिए तब चलते हैं, थोड़ा सा और क्रीम पोत लें ताकि सन मेरे ऊपर इफेक्ट ना करें। बाबू जल्दी चलो ना, आपको छोड़ दो। मेरी बहन सिखाई है कि इसको ऐसे ऐसे करके लगाना है, हम लोग तो जैसे तैसे रहने वाले आदमी हैं। और ये झुमका अच्छा लग रहा था, जमशेदपुर गए थे ना तो वहां से खरीदे थे, ऑनलाइन भी बहुत मिल रहा था। और ये कल मेरा कैंपस का जूती भी खरीदा गया, तो यही वाला पहन के हमको जाना है। और हम निकल गए, मेरे बेटा सामान लेके आएगा, हम सिर्फ एक पर्स ले लिए हैं। और हम तैयार हुए थे, एक रील्स भी बना लिए, हम सोचे कि रेडी हो रहा है तो एक रील्स बना ही लेते हैं। ये बाल कैसे खड़ा हो जा रहा है, खाना लेके भी नहीं आ रहा, ले लेके आएगा तो क्या करेंगे। मेरे बेटा पीछे आ रहा है, मेरा लंच जो भी बना हुआ है लेकर के, बच्चा लोग रहने से अच्छा लगता है। हम इसको बोले चलो, तो बोला हम नहीं जाएंगे, तुम लोग लेडीज लेडीज जा रही है, तो हम बोले ठीक है मत जाओ। हम लोग दोनों जन आके बैठ गए हैं अपना सामान लेके, और लोग आइए नहीं रही है। अब मेरे को 10:30 बजे बोली थी हम तैयार हो गए, हम करते हैं ना। और हम लोग ऑटो में सबको फूल हो गए, पीछे भी देखो सालू, सालू की दुनिया। हम बहुत हंसते हैं। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जन अभी तक आए नहीं है, उन्हीं का इंतजार। कितना देर से हम लोग कर रहे हैं, आधा घंटा कर रहे हैं। और हम लोग का ऑटो फूल हो चुका है, इतना आदमी हम लोग जा रहे हैं। और ये हम लोग आ गए हैं महेश्वरी धर्मशाला, ऊपर नहीं दिख रहा, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ शादी ब्याह होता है। और हम लोग ऑटो खुल चुका है, टाइम देख लेते हैं कितना बज रहा है, उसके बाद देखते हैं कितना बजे हम लोग। अभी बज रहा है 11:57, अब देखते हैं पहुँचते कितना बजे। अब हम लोग जा रहे हैं छत्तीसगढ़ रोड में, छत्तीसगढ़ रोड में जा रहे हैं, हमें भूखे भेज देती है। यहाँ पर कहाँ रुकी, हम लोग आके खाना चौक खाना है। और अब हम लोग जा रहे हैं जसपुर रोड तरफ, हम लोग छत्तीसगढ़ रोड तरफ जा रहे हैं जो जसपुर होके जाती, तो ये है स्टेडियम
बहुत बड़ा स्टेडियम है अल्बर्ट टिक्का स्टेडियम, जो कि परमवीर चक्र जिनको मिला था अल्बर्ट टिक्का को, यहीं के हैं। और इसे सटा हुआ हॉस्पिटल है। वैक्सीन लेने भी जब हम आए थे तो आप लोग को दिखाए थे, ये रूट कम बहुत बार आपको सैर करा चुके हैं। देखिए ये सदर हॉस्पिटल है और लेफ्ट साइड जो है वो पार्क है, तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं। और आज संडे है तो सुबह से ही भीड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा पार्क है। कितना है पता नहीं, कितना एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है बिरसा एग्रो पार्क। और हम लोग भी जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर साइड में है ना दाएं साइड काली मंदिर है, देखिए ये बहुत पुराना काली मंदिर है, तो हम सोचे आपको ये भी हम दिखा देते हैं। और यहाँ का रोड बहुत खूब सुंदर है, खूबसूरत नहीं बहुत सुंदर है, चौड़ा चौड़ा है। और दाएं साइड आगे जाइएगा ना, ये देखिए तो हनुमान मंदिर है। और यहाँ साईं बाबा मंदिर भी नया नहीं बना है, तब भी हमको लगता है 8-10 साल हो गया। बहुत सुंदर मंदिर है, हम एक बार आए हुए हैं यहाँ पर, मतलब हर जगह यहाँ अब मंदिर वगैरह तो है ही। और गुरुद्वारा था पीछे, वो हम आपको नहीं दिखा पाए, दाएं साइड ही था। और यहाँ करौंदी एरिया है और यहाँ पावर हाउस है, बहुत विशाल पावर हाउस है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग का यहीं से ठीक होता है। और हम आपको ये दिखा रहे थे कि यहाँ का रोड बहुत सुंदर, देखिए जैसे फिल्म सब में दिखाता है ना मूवी में, वैसा ही होगा। लगेगा एकदम ऊँचा है, कभी लगेगा एकदम नीचे है, कभी ऐसे घुमा घुमा सा लगेगा। और ये CRPF कैंप है, हम आते टाइम भी आपको अच्छा से दिखा देंगे, क्योंकि अभी हम इस साइड बैठे ना तो अच्छे से हम दिखा नहीं पा रहे। और उधर वाला मुख बधिर का स्कूल है, ब्लू वाला जो है ना, वहाँ पर कोई भी प्रशिक्षण दिया जाता है महिलाओं को, अच्छा है यहाँ भी। और यहाँ का रोड एकदम डाउन था। और ये पहाड़ सब कोई बोला दिखा दीजिए, जो कि हम आपको पहले भी दिखाए हैं राम रेखा गए हैं तो, लेकिन फिर भी हम दिखा दे रहे थे आपको थोड़ा फास्ट करके। और हम लोग का तो इतना बात हो रहा था कि कुछ मतलब अगर हम बात के बीच में अगर बोलते रहे तो कुछ समझ में भी आपको नहीं आता। देखिए रोड कितना घुमावदार है, अच्छा लग रहा था हमको तो, बहुत अच्छा लग रहा था। इधर गए रोड सब एकदम अप डाउन दोनों साइड, कभी पहाड़ है ऐसा है। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए, दूर से ही पुल दिख रहा था तो हम लोग अच्छा लग रहा था। और ठंड के दिन है तो पूरा सूख गया था, जो भी पेड़ वगैरह झाड़ी झूड़ था, यहाँ का वास्तव में झाड़ी झूड़ था, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे सबको कि देखिए दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर में हम यहाँ आए थे, लेकिन हम पिकनिक में यहाँ कभी नहीं आए हैं। हम सोचे कि अब शंख नदी है तो भाई एक शंख मिलेगा, चाहे शंख जैसा शेप होगा पर पता नहीं क्या है। और वो ब्लू कलर का दाएं साइड दिख रहा था वो पानी टंकी है, हम लोग उस पर भी चढ़े थे, वो तो हम अब दिखाएंगे ही आपको। पुल बहुत ज़्यादा चौड़ा था और ये नागफेनी पुल जैसा ही है, नागफेनी पुल लेकिन इतना हमको लगता है इतना लंबा नहीं है, ये ज़्यादा लंबा है। और सभी को हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे और हम लोग खुश भी उतने ही थे। तो ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं और ये हम लोग आ गए रोड क्रॉस कर रहे, रोड क्रॉस कर गए जगह, नीचे उतरने का उधर ही से है ना शंखरी पर। हम लोग उतना ऊपर से यहाँ से नीचे उतरे हैं, इधर भी ठीक है थोड़ा पानी है, अच्छा है, अच्छा है सब जगह, लेकिन इधर सिर्फ हम लोग रहेंगे, बाकी सबको इधर जा रहा है। हम लोग आ गए हैं पुल के नीचे और इधर जा रहे हैं, बच्चा सब नहा रहा है, बाल पूरा बिखर गया हवा ही में। चलिए वो लोग सब बालू में उस साइड चली गई हैं, वहाँ पर ये देखिए लोग इधर हैं और उन लोग उधर हैं। और हवा बहुत है, बाल सब खड़ा हो जा रहा है, तो हम बाल तो झाड़ेंगे नहीं, अब तो खड़ा हो जा रहा। तो पानी ठंडा है, ठंडा नहीं है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा। छठ करने के लिए यहीं पर ठीक है ना, नागफेनी से अच्छा यही है, कोई नहीं आता है, इधर करता होगा जैसे पतरा टोलिंग सब आता दो चार को, नागफेनी में तो बहुत भीड़ है। हाँ नागफेनी से अच्छा ही है ना, तो लगेगा लेकिन अच्छा है इधर। हाँ खाली रहेगा कुछ ऐसा करना चाहिए, हाँ। करना ऐसा किसी ना आइए दवाई कोटे नागफेनी से थोड़ा दिन दूर, हाँ नागफेनी में तो जाइएगा। अच्छा सबको अब हम लोग खाने का व्यवस्था कर रहे हैं, डालिया निकाल दे।
है, कितना ऊपर तक तो हम लोग गए थे, था आंटी। पानी भी गिर रहा था, बोले भी तो आपके कहाँ से आ रहा पानी, जो पीपल पेड़ है और शिव भगवान का पानी में पूरा पारदर्शी दिख रहा है, बोला देखे अब वो सब याद नहीं। यहाँ हम लोग बर्तन धो रहे हैं, बर्तन मेरा सूख गया था तो धोने में हम लोग को दिक्कत, हमको दिक्कत हो रहा था, करकट गया था। हम लोग ना थोड़ा लेट से पहुँचे तो हम लोग थोड़ा देर बैठे, उसके बाद हम लोग खाना खा लिए, मतलब सबको ज़्यादा ज़्यादा ही लाए थे तो उनका भी हो गया, ड्राइवर साहब का, और वो भी काफ़ी अच्छे थे, हम लोग से घुल मिल गए। खैर हम ही लोग का मोहल्ला के थे, और मैं पानी का बहाव ना बहुत ज़्यादा तेज था, पानी ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन घुटना इतना होगा हार्डली, और लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा तेज था, लेकिन हम लोग को अच्छा लग रहा था क्योंकि हम नाफेनी में इस तरह बर्तन धोए हैं, पिकनिक मनाया था, हमको यहाँ फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन यहाँ छाया कहीं नहीं था, सिर्फ पुल के नीचे ही छाया था और कहीं। हमको सालू दे दी है चश्मा, और हम चश्मा लगा लिए क्योंकि हम लाना भूल गए थे, और हम सोचे थे कि सबको बोल देंगे कि चश्मा ले लीजिएगा। यहाँ बहुत हवा है, पूरा बाल उड़ जा रहा, एक भी रील्स हम बनाने नहीं सक रहे, देख ही सकते आप लोग, बस उतना गाड़ी ट्रक के लोग ज्यादा जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ वाला रोड में आपको खाली यही मिलेगा। हम लोग इधर आ गए, गाना बज रहा है, मेरे में कॉपीराइट लग जाएगा इसीलिए हम कुछ बोल नहीं रहे, यहाँ पर कर सकते ना, देखिए ना कितना चिकना है। हम लोग नदी के बीच में आ गए हैं, ये देखिए, ये नदी का सेप है, संघ नदी का नाम है शंख नदी, न सेप है न शंख निकल रहा है, ये देखिए पूरा बालू, पूरा बाल इतना ना, बाप रे। हम लोग यहाँ पानी में आए, पान उधर तो पूरा टापू जैसा था आप देख रहे हैं, और इधर पूरा देखिए मेरा बाल कैसे हो गया, और यहाँ आए ना इतना गहरा पानी, हम तो डर गए कि हम लोग डूब मत जाएं, लेकिन चलिए हम लोग आ गए भगवान के पास, हम लोग नदी पार किए, ये नदी पूरा वहाँ से यहाँ आ गए पार करके। यहाँ बच्चा लोग पिकनिक कर रहा कि पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा सब आया हुआ। ये देखिए यही पुल है, पुल पर ट्रक जा रहा है, ये ट्रक जा रहा है। मेरे ग्रुप से वो लोग गई है उधर देखने कि क्या हो रहा वहां पर पिकनिक में, ये वहां पर है, आप लोग को नहीं दिख रही है, नदी के पास हम नहीं गए, क्या करने जाएंगे उधर फालतू। बापरे पूरा नदी हम लोग पार करके यहाँ आए, यहाँ थोड़ा सा गहरा पानी था सामने में, पानी टंकी इसके ऊपर सब चढ़ा हुआ है, चलिए हम लोग भी चलते हैं, आने दीजिए हम लोग को, चढ़ते हैं हम लोग, सॉल्व कैसे कर लिए तो ठीक हो गया। देखिए यहाँ पानी, पानी का ना टंकी है, चलिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए पानी का टंकी आया, ये देखिए ऊपर वहाँ तक गया हुआ, ये मिट्टी बड़ी सुंदर मिट्टी है ना, और जो नदी अब जो नहीं था ना मिट्टी बहुत अच्छी ना, ईट भट्टा दूर से देख रहे थे, अभी आ गए हम लोग, ऊंचा पर है इसलिए सॉल कैसे ले लिए क्योंकि बाल भी पूरा बिखर गया था। उधर से आ रहा नदी एकदम, बल्ब जलता होगा रात में ना, अंदर कोई जाता होगा तो जलाता होगा, सिगरेट महक रहा नहीं, अंदर लॉक लगा, होता तब मजा आता पिकनिक का, लेकिन हम लोग कैसे ही छाटते छाटते। वो देखिए हम लोग का ऑटो ना बड़ी दूर है, ये देखिए ट्रक क्रॉस कर, हाँ और हम लोग यहाँ पर अभी वहाँ पर उधर से आ जाएगी, हम लोग अभी यहाँ पर है, बड़ी दूर चलना है अभी हम लोग को, चलिए चलते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए हैं रोड के पास, और यहाँ पर ना धान का खेती हुआ था, धान तो पूरा धान का कटनी हो चुका है, ये इतना दूर, अब हम लोग चढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ से चढ़ेंगे, टीम बना के हम लोग चल रहे हैं।
नहीं, इतना ऊपर चढ़ना है अभी। और ऑटो वहाँ है। अच्छा यहाँ नाली भी, सुन रहे हैं ये नाली है कि पूरा स्लैब ढाला हुआ। और यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी स्लैब जैसा ढाला हुआ है। जा बीच में तो रोड पूरा ना गड्ढा है, बहुत नीचे तक हम लोग नहीं उतर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोग ऑटो यहाँ पर जाके हम लोग खाली पैर है, तेरा खाली पैर दिखा दे। चलिए कुछ लोग यहाँ से गए हैं अपने, उनके कोई रिलेटिव रहते हैं तो मिलने गए हुए, तो हम लोग यहाँ रुके हुए हैं रोड में। और हम लोग पहुंच गए। और हम आ गए हैं घर, पौने छोरा मेरा घड़ी में, लेकिन मेरा घड़ी फास्ट है।